हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं जो अपन ने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल थे, अपन उसी से रिलेटेड हैं जो बातें यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए, अपन ने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल की जब बात की थी तब मैंने आपको चार तरह की रिएक्शंस, पांच तरह की जो रिएक्शंस थी उनके बारे में कहा था कि भी इनसे रिलेटेड हैं वो अभिक्रियाएं हैं अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जिसमें अपन ने एक तो पढ़ा था रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड फ्यूज़न, और उसी में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का भी सेकंड रिएक्शन के अंदर पड़ा था। फिर आपके एलिमिनेशन रिएक्शन थी, और फिर आपके वो जो अपन ने न्यूक्लियोफिलिक जो बिहेवियर है उसके बारे में बात की थी, ऑक्सीडेशन है उसके बारे में बात, ठीक है। इनसे रिलेटेड अपन यहाँ पर अभिक्रियाएँ पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आज अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो उसका जो फर्स्ट पार्ट है जो रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड फ्यूजन, इसके बारे में अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए, ये जो अभिक्रिया है जनरली किस बॉन्ड ब्रेक की बात कर रहा है कि आपका कोई अल्कोहलिक ग्रुप है उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन दोनों के बीच का अगर बॉन्ड ब्रेक होता है तो इसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड फ्यूजन कहेंगे कि यहाँ से बॉन्ड है वो टूट रहा है। अब देखिए, यहाँ पर अपन बात करें कि इस प्रकार की जो अभिक्रियाएँ प्रदर्शित की जाती हैं जनरली उसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो बंध है उसका यहाँ पर क्लीवेज होता है, विदलन होता है, टूटता है, अपन कहते हैं बॉन्ड ब्रेक होता है। और जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होता है इनके द्वारा प्रोटोन और साथ में एल्कोक्साइड आयन मेनली इनके द्वारा क्या किए जाएंगे आपके इनमें फॉर्मेशन किए जाएंगे। और जब अपन बात करें कि ये एल्कोक्साइड और आपका जो प्रोटॉन बना रहे हैं तो क्या बताया गया है कि जनरली जो अल्कोहल है वो स्लाइटली क्या करता है, एसिडिक जो बिहेवियर है उसको यहाँ पर शो करता है। हालांकि यहाँ पर जो जो आपका एसिडिक नेचर जो अल्कोहल के द्वारा शो किया जाता है ये बहुत ही रेयर और वीक टाइप का जो एसिडिक नेचर है वो यहाँ पर शो किया जाता है, क्योंकि जो एसिडिक नेचर है उतनी मात्रा की नहीं होती जितनी मात्रा की अपन ने इसमें बस जनरली अपन ने एक सीधी लाइन लिखी थी कि भी जो अल्कोहल है वो क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर भी आपको इसमें जो चीज़ें हैं वो कौन कौन सी कि भाई मेथेनॉल और एथेनॉल इनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस इसी के हिसाब से बताया जाता है कि एसिडिक नेचर देखने में मिलती है। अब देखिए, अपन यहाँ पर शो करें कि एल्कोक्साइड आयन और आपका जो प्रोटॉन है वो किस तरह से फॉर्म होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए अपन बात करें, आपके यहाँ पर तीन तरह की बॉन्डिंग इस यहाँ पर देखनी। अब ब्रेक कौन से बॉन्डिंग वाली बात करें, आपके इसके और इसके हैं, मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक। तो जैसे ही ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा आपकी ये प्लस H प्लस फॉर्म हो जाता है। तो अपन यहाँ पर एक चीज़ सीधी सीधी अपने पास क्लियर हो रही है कि यहाँ पर आपका क्या बन गया, एल्कोक्साइड आयन, और यहाँ पर आपका क्या बन गया, प्रोटॉन बन गया, जो क्या करेगा अल्कोहल की स्लाइटली या आप उनके कहेंगे वीक एसिडिक जो बिहेवियर है उसको क्या कर देता है, शो कर देता है। अब यहाँ पर बात करें कि आपका जो अल्कोहल है जनरली अल्कोहल है उसमें बॉन्ड ब्रेक होता है, तो जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होता है उसमें उसकी जो रिएक्टिविटी है, क्रियाशीलता है, जनरली जो अल्कोहल है उसमें अपन यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे और फिर उसमें इसमें एक्सप्लेन करेंगे उनमें जो रिएक्टिविटी है वो किस तरह से पाई जाती है कि कौन ज़्यादा मोर रिएक्टिव है और कौन यहाँ पर लेस रिएक्टिव है, उसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो यहाँ पर मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर लिख रहा हूँ और ये जनरली किस पे लिख रहा हूँ, आपका डिक्रीजिंग
ऑर्डर के अनुसार, कैसे लिख रहा हूँ, डिक्रीजिंग जो ऑर्डर है। अब देखिए यहाँ पर बात करें, अल्कोहल है, अपन ने बहुत सारे पढ़ रखे हैं और उसी के आधार पर अपन उसमें एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात करें अपना ROH। देखिए यहाँ पर ये सीधा ROH लिखते हैं तो अगला वाला कंपाउंड भी अपने को ऐसा ही प्राप्त होता है। तो मैं यहाँ पर ROH लिखकर इसको CH3OH लिखता हूँ, मेथेनॉल लिखता हूँ, ठीक है। इसके बाद R2CH2OH कंपेरेटिवली लेस रिएक्टिव। नेक्स्ट बात करें तो आपका R2CHOH, ये इससे भी लेस रिएक्टिव। और नेक्स्ट बात करें यहाँ पर R3COH, ठीक है। तो यहाँ पर अपन बात करें ये दोनों जनरली कैसे हैं, एक डिग्री एल्कोहल है, ठीक है। मैं इसको मेथेनॉल कहूँ, इसको एथेनॉल कहूँ, इससे अच्छा मैं इसको एक डिग्री एल्कोहल कहूँ, ठीक है। दोनों कंपेरेटिव, ये आपका है 2 डिग्री एल्कोहल और यहाँ पर ये आपका है 3 डिग्री एल्कोहल। ये इसमें 3 डिग्री एल्कोहल है वो बहुत कम रिएक्टिव होता है, बहुत कम रिएक्शंस है वो जनरली आपके यहाँ पर इस तरह से देता है। कौन सी? इस बॉन्ड ब्रेक वाली। मैं और किसी के लिए नहीं कह रहा, मैं सिर्फ इसी बॉन्ड के लिए कह रहा हूँ। ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो बॉन्ड ब्रेक होता है उसमें ये अभिक्रियाएँ हैं वो शो करेगा। तो अपन यहाँ पर अब बात करते हैं कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उसकी अभिक्रियाएं किस तरह से शो की जाती हैं। और साथ में अपन यहाँ पर बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं वो इसमें पढ़ने वाले हैं। जनरली थोड़ा बहुत ये हो सकता है कि जो अपन जो अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं वो आपकी बुक में किसी और तरह से दे रखी हो, लेकिन जो सिस्टम है, जो बेस्ट तरीका है वो अपन इसी में अपन यूज़ करके अपन उसी के हिसाब से क्या करेंगे, यहाँ पर जो अभिक्रियाएं हैं वो यहाँ पर शो करेंगे। देखिए अभी अपन ने कहा कि जो आपका अल्कोहल है वो टूटता है और क्या बनाता है आपका, प्रोटोन और एल्कोक्साइड आयन। तो क्या बताया यहाँ पर, जनरली जो अभिक्रियाएं हैं इन अभिक्रियाओं में क्या होता है कि आपका जो जो क्षार है वो क्या करता है कि ये जनरली अभिक्रियाएं बहुत आसानी से दे देता है। और क्षार में भी अपन इस तरह से नहीं, जो क्षार मेटल्स हैं जो अपन बेस मेटल्स कह दें उनकी रिएक्शन करें। तो सबसे पहले अपने बाईस में जो रिएक्शन पढ़ने वाले हैं वो है रिएक्शन विथ बेस मेटल, या आप इसको एलिमेंट्स भी ले सकते हो। इसमें अपन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं कि जिसके अंदर जो बेस मेटल्स होंगी वो क्या करेगी, रिएक्शन करेंगी। देखिए जो बेस मेटल्स हैं वो जनरली क्या करेंगी, आपकी जो एल्कोक्साइड आयन है उसके साथ अभिक्रिया करेंगी और उसके साथ अपना जो सॉल्ट है वो क्या करेगी, यहाँ पर फॉर्मेशन करेगी। किस तरह से होगा देखिए, सॉरी अपने इस जो ब्रेक हो रहा है अपन उसी को शो करते हैं, ठीक है। ROH ये ब्रेक होगा, किसके साथ जुड़ के, आपकी बेस मेटल, ठीक है। इस बेस मेटल के साथ जुड़ा तो यहां से ये आपका क्या हो गया, बॉन्ड ब्रेक हो गया। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा आपका यहां पर 2ROK, ये इसका बन गया आपके आयन प्लस। अब यहाँ पर देखिए H2 है तो यहाँ पर क्या निकल जाती है आपकी, H2 गैस है वो इसमें मुक्त होती है। तो अपन यहाँ कह सकते हैं कि जब अल्कोहल की अभिक्रिया आपकी बेस मेटल के साथ की जाती है तो इसमें एक तो अल्कोक्साइड आयन बनता है, साथ में जो H2 गैस है
वो इसमें निष्कासित होती है या बाई प्रोडक्ट के रूप में बनती है। अब यहाँ पर अपन लेते हैं एग्जांपल C2H5OH, दो मॉलिक्यूल ले लिए मैंने इसके। अब यहाँ पर इसकी जगह जैसे मैंने ये लिया, इसकी जगह मैं कोई ये मेटल ले लूँ, ये भी ले लो तो भी कोई दिक्कत तो है नहीं। यहाँ पर बात करते हैं, ये टूटेगा, ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक आपका बॉन्ड ब्रेक हो। ये आपका पोटेशियम एल्कोक्साइड है। अब यहाँ पर बात करेंगे तो C2H5O Na+H2, ये आपका गैस रूप में निकलता है, इसलिए इसके पे इस तरह से भी अपन दिखा सकते हैं। ये आपका है एथॉक्साइड, ठीक है, जिसको अपन बोल सकते हैं सोडियम एथॉक्साइड। कि यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हुआ है, सोडियम एथॉक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है। इसके आधार पर अपन कह सकते हैं कि आपका जो अल्कोहल है उसमें क्या आ जाती है, एसिडिक नेचर आ जाती है। कैसी आ जाती है, एसिडिक नेचर, क्योंकि अपन ने यहाँ पर बेस काम मिली, ठीक है, बेस एलिमेंट, तो यहाँ पर स्लाइटली इसकी जो एसिडिक नेचर है उसको शो के। इसी तरह से अपन यहाँ पर जो 3 डिग्री लें उसमें देखें कि भाई इस तरह से शो होता है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए CH3 का होल COH प्लस, अब देखिए मैं इसकी जगह कोई दूसरी जो बेस मेटल्स हैं उसका यूज़ करूं तो यहाँ पर 2Al कर लूँ, दो एल्यूमिनियम के एलिमेंट्स का मिलूँ। तो देखिए ये आपका +3 होता है तो मैं इसके क्या ले लेता हूँ, 6 मॉलिक्यूल यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो इसके द्वारा क्या बन जाएगा, इसका जो साल्ट है उसका फॉर्मेशन कर दिया जाता है। तो CH3 का होल थ्राइस CO, ठीक है, देखिए बॉन्ड ब्रेक आपका यहाँ से हो रहा है, ठीक है, बॉन्ड ब्रेक यहाँ से हो रहा है, तो होल थ्राइस Al+। अब देखिए यहाँ से कितने निकल रहे हैं, ठीक है, तो अपन कह सकते हैं यहाँ पर 3H2 गैस हैं वो यहाँ पर बन रही है। तो इस तरह से क्या बताया गया है कि रिएक्शन विथ बेस मेटल या एलिमेंट्स में जो अल्कोहल है वो एल्कोक्साइड आयन बनाता है और साथ में आपका जो इस तरह से जो सॉल्ट है उसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है। जहाँ पर बात करें ये जनरली स्लाइटली आपके क्या करेगा, जो अल्कोहलिक नेचर है उसको क्या कर देगा, शो कर देगा कि बीच में जो है वो एसिडिक नेचर पाए जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर अपन डिस्कस करें तो आपके जो एमाइड्स हैं, खासकर सोडियम एमाइड, वो क्या करते हैं, अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करने के फलस्वरूप ये भी क्या करते हैं, जो अल्कोहलिक बॉन्ड जो ब्रेकिंग है उसको क्या करेंगे, शो करेंगे। अब देखिए किस तरह से होगा, तो अपन बात करें यहाँ पर रिएक्शन विथ मेटल एमाइड या फिर अपन कह दें बेस मेटल एमाइड, रिएक्शन विथ बेस मेटल एमाइड, कि यहाँ पर जो आपके क्षार जो धातु हैं उनके एमाइड्स के साथ जब अभिक्रिया की जाती है तो क्या बताया गया है, इसके द्वारा इसमें इससे रिलेटेड जो आपका आयन है जैसे एल्कोक्साइड आयन, ठीक है। तो अपन अभी जस्ट इसको स्टार्ट करने के टाइम में यही भी कहा था कि प्रोटॉन और आपका एल्कोक्साइड आयन बनेगा, तो यहाँ पर ये जो है अभिक्रिया वो किस तरह से शो करेगा, तो यहाँ पर जो एल्कोक्साइड आयन बनाएगा सबसे पहली चीज़ तो आपको यह ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से ये आपका
एल्कोहल है। अब बात करते हैं बेस मेटल एमाइड्स की। तो बेस मेटल में आप सोडियम ले सकते हैं, पोटेशियम ले सकते हैं और उसके साथ NH2 जोड़कर। तो यहाँ पर अपन लेता हूँ मैं NaNH2, ये आपका सोडियम एमाइड है। सोडियम एमाइड इसके साथ रिएक्शन करके आपका RONaN ये बन जाता है आपका एल्कोक्साइड। और एल्कोक्साइड में भी ये इस पर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन वाले पे कैसा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव वाला चार्ज रहेगा। प्लस यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन इधर निकल गया, किस में NH2 के साथ जुड़ेगा, तो यहाँ पर आपका NH3 अमोनिया है वो इसमें बना दिया जाता है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि अल्कोहल के साथ सोडियम आपके बेस मेटल एमाइड और बेस मेटल एमाइड में भी सोडियम एमाइड जो रिएक्शन करेगा उसके साथ आपका एल्कोक्साइड बनाएगा और साथ में अमोनिया है उसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है। साथ में अपन यहाँ पर और देखें यहाँ पर मैं क्या लेता हूँ आपका पोटेशियम लेता हूँ। तो आपका पोटेशियम एल्कोक्साइड फॉर्म हो जाता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में अमोनिया है वो बन जाती है। अब इसकी जगह एग्जांपल लिखूँ C2H5OH प्लस अपन यहाँ पर क्या ले रहे हैं ये वाला, ठीक है। तो ब्रो आपका ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा C2H5ONa प्लस NH3 बन जाता है, ये आपका सोडियम एथोक्साइड बन जाता है। यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाए, सोडियम एथोक्साइड का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये जो सेकंड रिएक्शन थी जिसमें अपन ने देखा था कि रिएक्शन विथ बेस मेटल एमाइड्स, बेस मेटल्स एमाइड्स के साथ जनरली रिएक्शन करके आपका जो अल्कोहल है वो क्या बनाता है, अलग अलग तरीके के जो एल्कोक्साइड आयन है वो बनाता है। अब देखिए नेक्स्ट अपन यहाँ पर बात करें तो आपके क्या दिया गया है, रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, कि अल्कोहल है वो क्या करेगा, एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर आपको देखिए ये जो रिएक्शन है, मैंने जो अपने प्रीवियस वीडियो थे उसमें भी ये जो रिएक्शन है वो डिस्कस कर रखी है, जिसको अपने नाम दिया था जो ईथर वाली रिएक्शन पड़ी थी एस्ट्रिफिकेशन। क्या नाम दिया था, एस्ट्रिफिकेशन, कि भी यहाँ से जो एस्टर है उसका फॉर्मेशन है वो जनरली यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए ये रिएक्शन किस तरह से होती है, तो यहाँ पर अपन बात करें थर्ड रिएक्शन रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो यहाँ पर अपन बात करें कि जनरली जो कार्बोक्सिलिक एसिड है अल्कोहल के साथ आपके जो कंसेंट्रेटेड H2SO4 या HCl है उनकी उपस्थिति में, यानी उनकी दो चार बूंदें हैं वो इनके अंदर मिलाई जाती है, उनकी उपस्थिति में क्या बताया गया है, इनको गर्म किया जाता है अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दोनों ही रिएक्शन करके ये आपके एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को एस्ट्रिफिकेशन जो रिएक्शन है उसके नाम से जाना जाता है। साथ में क्या बताया गया है कि ये जो रिएक्शन है जनरली क्या होती है कि कैटालाइट्स की उपस्थिति में होती है, आपके
उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। तो जनरली ये जो रिएक्शन होती हैं ये आपके उत्क्रमणीय अभिक्रिया की तरह व्यवहार करती है कि यहाँ पर जो आपका अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन की एस्टर बना और एस्टर के साथ H2O बनता है। तो वापस जो अभी जो एस्टर और जल है वो अभिक्रिया करके वापस जो अल्कोहल और एसिड है उसके अंदर चेंज हो जाती हैं। तो जनरली ये जो रिएक्शन है ये आपके जो एस्टर फॉर्मेशन के लिए है उत्तम नहीं मानी जाती। बाकी इसकी एक खास बात जो अपन यहाँ पर डिस्कस करें कि जनरली इसके द्वारा 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री ये जो अल्कोहल फॉर्म होते हैं इनका आसानी से इसके द्वारा क्या किया जा सकता है, रिप्रेजेंटेशन किया जाता है कि भाई 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री किस तरह से फॉर्म होता है। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं कि भी एस्टरीफिकेशन अपन किस तरह से यहाँ पर शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करें ये आपका अल्कोहल है, जनरली ये रिएक्शन किसके साथ करेगा, एसिड के साथ। यहाँ पे आर ही ले लेता हूँ एक बार, तो ठीक है, इसने रिएक्शन की, ये आपका मोटर वाटर मॉलिक्यूल बाय प्रोडक्ट के रूप में बन जाएगा, तो आर ओ सी डबल बोन ओ आर डैश प्लस H2O, ये आपका एस्टर बन जाता है, इसलिए इससे एस्टरीफिकेशन होने दी, रिएक्शन क्या हो जाएगी, एस्टरीफिकेशन, जिसमें अब यहाँ पर अपन अलग अलग प्रोडक्ट लें जैसे C2H5OH प्लस अब दूसरा कोई प्रोडक्ट लें जैसे एथेनोइक एसिड। ये आपका वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो C2H5OC OCH3 प्लस H2 बन जाएगा। ये था आपके बाय प्रोडक्ट के रूप में जो अलग अलग अभिक्रियाएं हैं बन रही। अब देखिए यहाँ पर साथ में अपन ने एक चीज़ और डिस्कस की कि जनरली अपन ने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है इनके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, इनके अंदर विभेद कर सकते हैं। तो क्या बताया गया है कि अभी जो अपन ने थोड़ी देर पहले जो प्रीवियस ऑर्डर देखा था आपके रिएक्टिविटी वाला, सेम टू सेम वही ऑर्डर हैं, वो कार्बोक्सिलिक एसिड के द्वारा जो रिएक्शंस बनाई की जाएंगी मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री वैसे के वैसे ही अल्कोहल्स हैं वो रिएक्टिविटी यहाँ पर शो करेंगे। मतलब 3 डिग्री की जो रिएक्टिविटी है वो बहुत कम देखने को मिलती है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ CH3OH, अब देखिए मैं R लेके लिख रहा हूँ RCH2OH R2CHOH एंड नेक्स्ट R3CHOH, ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल, ये 2 डिग्री अल्कोहल और ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल फॉर्म होता है। तो ये थी आपके रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड फ्यूजन। देखिए इससे रिलेटेड और भी अपन जो रिएक्शंस हैं वो अपन इस वीडियो डिस्कशन में अपन करने वाले हैं, ठीक है। तो जो आगे की जो रिएक्शंस हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। आई होप यू आपको ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड जो नोट्स है वो बनाते रहें। खासकर यहाँ पर जो ध्यान रखने की चीज़ है वो बॉन्ड ब्रेक कौन सा हो रहा है उसी के बारे में है, वो मेनली अपन ने डिस्कस किया है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।